यार गावा सर मेरी सुई अटक गई है आप मैम का बर्थडे था आपने विश नहीं किया अब मामला संभालोगे कैसे आप कुछ टिप्स हमको भी दो मैं सोच रहा हूँ ये 10 बजे का शो थोड़ा एक्सटेंड हो जाए <laughs> उठना ही ना पड़े आप <laughs> बोलो तो दिन भर आपके लाइन लाइन बुक कर दें नहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा लेकिन ये बहुत बड़ी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया तो इसका मतलब है नॉर्मल आप, मतलब आप किसी भी एजूप में पहुंच जाओ, ये मामला है ऐसा मानूल तो जाएगा, आ, जाएगा।, अच्छा, जाएगा। है, नहीं। पर अभी थोड़ी सर दर्द है निगलिंग वरीज रहेंगे अच्छा ठीक है हर्षदा के पास चला जाए आज के सारे इंपोर्टेंटा सर बेस्ट ऑफ लक आज के सारे स्टॉक्सिंग न्यूज और सबसे पहले अरबिंदो फार्मा फार्मा की इतनी चर्चा हो रही थी तो और ही रडार पे पर यहाँ तो खबर ठीक ठाक है शायद अच्छी खबर है आशीष दरअसल इनको यूएसएफडीए की तरफ से अनुमति मिल गई है ये मैन्युफैक्चर और मार्केट करेंगे एक पर्टिकुलर नेजल स्प्रे जो प्राइमरीली सीजनल एलर्जीज और पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस को सर्विस करता है या फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्ट लॉन्च होगा Q1 FY25 से ध्यान रखिएगा आईक्यूविया की रिपोर्ट कहती है कि करीब-करीब 45 मिलियन यूएसडी का दरअसल इसका मार्केट साइज है उस लिहाज से स्टॉक फोकस में और बिंदो फार्मा 45 44 मिलियन डॉलर का साइज अगले क्वार्टर में ये नेजल स्प्रे लॉन्च कर देंगे अमेरिका के बाजार में छोटा लेकिन खबर तो ठीक है

और सपोर्ट करीब है। खरीदना है तो एक हजार बीस के ऊपर तो रेडी तो 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 सिप्ला बायोकॉन जैसे दिग्गजों पे बिकवाली के कॉल लेके चल रहे हैं, तो और बिंदो से भी कोशिश ही रहिएगा पर देखते हैं आज दिन के दौरान कैसा बिहेवियर रहता है ये हो गई फार्मास्यूटिकल की चर्चा इसके अलावा आज पे है वोडाफोन आइडिया भी वोडाफोन आइडिया मानस आप चार्ट रेडी रखना प्लीज डेटा बेटा टटोल के रखना ये रिटेल को बड़ा पसंद आता है स्टॉक या बहुत चर्चा में रहता है आज अपडेट्स क्या है वोडाफोन uh, के केस में दरअसल एटीसी टेलीकॉम ने uh, कंपनी के कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिए थे और वो दरअसल इक्विटी शेयर में आप वो कन्वर्ट करते हुए दिखाई देंगे तो कुल अमाउंट जो रहेगा वो करीब 1440 करोड़ का कन्वर्जन होता हुआ दिखाई देगा ये शेयर सोलह सौ सो रुपए के सोलह सो करोड़ के इशू किए गए थे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इस 2023 में इससे होगा ये कि वोडोफोन का जो स्टेक है वो करीब दो से तीन परसेंट डायल्यूट होता हुआ दिखाई दे सकता है वहां पर कुछ डाइल्यूशन जरूर आएगा लेकिन बेसिकली आ, इनके हाथ में जो रकम आई आ रही है वो डेट कम करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी तो उस लिहाज से स्टॉक आज फिलहाल फोकस में ठीक बात वोडाफोन आइडिया रखेगा रेडार पे खैर वो ओसीडी तो उसने ले रखे तो पैसा तो आ चुका है अब वो ऑप्शन ले रहे हैं क्योंकि ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स थे उन्होंने ऑप्ट कर लिया इक्विटीज में तब्दील करने के लिए तो भाई साहब 144 करोड़ शेयर्स दिए जाएंगे उनको उन डिबेंचर्स के एवज में और ये दिए जाएंगे दस रुपए के भाव पे क्योंकि फेस वैल्यू पे कन्वर्जन की बात हुई थी जब OCDs प्लेस गए थे और चल रहा है ये तेरा क्या तो है और चार्ट वार्टोडाफोन आइडिया देखिए चार्ट तो वीक लग रहे हैं अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम आपको वहां पर क्लियरली दिखेंगे कुछ दिन पहले टेस्ट किया था वहां पर थोड़ी रिकवरी देखने को मिली लेकिन ट्रेंड निगेटिव है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी तो आपको ग्यारह रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाए शायद आपको नौ रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाए तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए इस गिरावट पर खरीदारी ना करें और अगर आपको खरीदारी करनी है तो जब ये पैटर्न फेल का फेलियर हो अगर चौदह रुपए के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिले तभी यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए भाई साहब अवॉइड है दबाव बढ़ सकता है अनटिल एनलेस 14 की ट्रोजेक्ट्री के ऊपर ये वोडाफोन आइडिया नहीं जा रहा है तब तक तो इससे दूरी रहना बेहतर होगा तो ये है इस काउंटर पे व्यू अगला इरीडा रेडार पे इरीडा क्यों रेडार पे आज क्या है आशीष साहब को याद होगा ये जब आ, इंडेक्स मेंटेनेंस कमेटी की बैठक हुई थी तो इरीडा को जोड़ दिया गया था निफ्टी 500 मिड कैप 150 100 एक्सेट्रा में अब इन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो डिसीजन को रिवोक कर रहे हैं यानी कि इन सभी में जो इरेडा को जोड़ा गया था वो इफेक्टिव नहीं होता हुआ दिखाई देगा और ये होना था मार्च 28 2024 ऑनवर्ड्स बेसिकली जो इंडेक्स मेंटेनेंस सब कमिटी है वो अब ये कहती है कि इरेडा ने कुछ रिक्वायरमेंट सेबी पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन नॉर्म्स के ब्रीच किए हैं इस लिहाज से ये दरअसल इन पर्टिकुलर इंडाइसिस uh, में शामिल नहीं किए जा रहे हैं उसको दोबारा रिव्यू किया जाएगा लेकिन ये थोड़ा सा सेटबैक रह सकता है क्योंकि लार्जली वो फंड फ्लो निफ्टी 500 हंड्रेड मिड कैप हंड्रेड स्पेसिफिक जो कंपनियां या फिर फंड मैनेजर्स फॉलो करते हैं वो अब इरेडा में नहीं आएगा hmm, बहुत चला है भाई साहब 31 का मेरे ख्याल से इशू प्राइस फट गया था स्टॉक अब करेक्शन फेज में आया है Uh, साहबा जरा तो नहीं मिलेगी आपको लेकिन कैसा लग रहा है देखे, अगर आप चार्ट देखे, तो हाल फिलहाल में इसमें करेक्शन हुआ है दो से करीबन करीबन वन तक तो एक अच्छा खासा करेक्शन है बट एट द सेम टाइम इसका न्यूज का एक इम्पैक्ट यहाँ पे दिखेगा तो हम लेवल की बात करेंगे 125 का लेवल अगर आज टूटता है तो मुझे लगता है यहाँ पे सेलिंग आएगी प्रॉफिट टेकिंग और जरा सीवियर हो जाएगी इन दैट केस पहला टारगेट आएगा 114 का अगर वो भी टूटता है तो 110 तक की जगह खुलेगी तो 110 114 तो ये इसका सेल का टारगेट होगा तो स्ट्रक्चर देखिए ओवरसोल्ड है लेकिन वीकनेस होगी अगर लेवल टूटता है तो ओवर स्ट्रक्चर वीकनेस लेकिन बढ़ेगी अगर जो लेवल सतपुर साहब मैं वो ब्रीच हो रहे हैं वो टूट रहे हैं तो चलिए बाकी के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज उसमें से फिर कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इस पैनल के साथ डिस्कस भी कर लेंगे हज का क्या स्टॉक्स क्या पे इसके अलावा आप फोकस में शक्ति पंप्स रखेंगे क्यू करीब 200 करोड़ का कंपनी ने लॉन्च कर दिया है कल की क्लोजिंग प्राइस सात परसेंट के डिस्काउंट पर दरअसल आ रहा है बारह सौ बहत्तर रुपए प्रति शेयर पर दरअसल कंपनी ने वो फ्लो प्राइस तय किया है तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे आज इसके अलावा टी इन्होंने एक यूएस का सेंट्रल बैंक है जो मिडवेस्ट रीजन को केटर करता है उनके साथ करार किया है डील साइज डिस्क्लोज नहीं हुई है लेकिन टीसीएस का जो बैंक सॉफ्टवेयर है जो लार्जली बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए कंपनी ने बनाया है वो दरअसल अपनी कोड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये सेंट्रल बैंक यूज करता हुआ दिखाई देगा तो वो स्टॉक आज ध्यान रखेंगे इस पर पर इसके अलावा टीवीएस मोटर बोर्ड बैठक आज है बोनस इशू विचार होगा लेकिन ध्यान रखिएगा सिंपल बोनस इशू नहीं है यहां पर कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दरअसल बोनस के तौर पर जारी करती हुई दिखाई देगी जेके सीमेंट के लिए भी अपडेट आ रहा है कंपनी के हाथ दरअसल दो कोल्ड ब्लॉक्स लगते हुए दिखाई दे सकते हैं क्योंकि बिड्स इन्हीं की थी एक महान कोल ब्लॉक है और दूसरा ऑफ कोर्स कमर्शियल कोलमाई ऑक्शन के जरिए जो कंपनी ने आ, सरकार ने शुरू किया था उसके लिए दरअसल ये विनिंग बिड साबित होती हुई दिखाई दी है तो महान कोल ब्लॉक और शाहदोल कोल ब्लॉक इनकी विनिंग बिड उभर कर आई है जेएसडब्ल्यू ग्रुप रेडार पर रहेगा क्योंकि आज वो मोस्ट अवेटेड एमजी ग्रुप के साथ Uh, जो वेंचर कंपनी उतर रही है उसकी डिटेल्स आती हुई दिखाई देंगी बेसिकली एक रोड मैप आएगा कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ के लिए किस तरह का इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है जोमैटो रेडार पर रखेंगे अच्छा हुआ यह है कि जोमैटो ने कहा है कि हमारे कुछ कस्टमर्स जो सिर्फ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स या फिर प्योर वेज ही खाना खाते हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक सर्विस शुरू की गई है प्योर वेज मोड इन्होंने लॉन्च किया है विद अ प्योर वेज फ्लीट ऑन जोमैटो 100% वेजिटेरियन डाइटरी प्रेफरेंसेस के लिए ये आपको प्रपोजल आया है बेसिकली इससे क्या होगा कि ये खाना उन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट से सर्विस किया जाएगा जो सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही बनाते हैं साथ ही साथ वेज फूड जब डिलीवर होगा उसके साथ नॉन वेज फूड नहीं भेजा जाएगा तो कुछ कस्टमर्स की मांग थी उसके लिए ये दरअसल कंपनी कर रही है अच्छा कल शाम तक उसके लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन अलग भी होने वाला था ग्रीन बॉक्सेस ग्रीन टी शर्ट लेकिन आज सुबह में गोयल कह रहे हैं कि इस तरह की डिफरेंसेस हम नहीं करेंगे वो लाल डब्बे में ही आएगा लेकिन वो कंपनी गारंटी दे रही है आपका वेज खाना वेजिटेरियन खाने के साथ ही भेजा जाएगा वो स्टॉक हरेडार पर रखेंगे टाइम टेक्नोप्लास्ट इनको अप्रूवल मिल गया पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से मैन्युफैक्चर करेंगे हाई प्रेशर टाइप फोर कॉम्पोजिट सिलेंडर प्रोटोटाइप हाइड्रोजन के लिए बेसिकली एक लॉट टेस्ट किया जाएगा ये ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस और ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में ये सिलेंडर्स काम आएंगे जो टाइम टेक्नोप्लास्ट बनाती हुई दिखाई देगी ए बी सनलाइफ ध्यान रखिएगा आज दूसरा दिन है ऑफ ऑफर सेल का यानी कि कंपनी अब ग्रीन इशू ऑप्शन भी इस्तेमाल कर रही है कुल मिलाकर 11.47% स्टेक आपको याद होगा प्रमोटर्स ऑफलोड कर रहे हैं कुछ लार्ज डील्स हुई हैं स्टार हेल्थ रेडार पर रखेंगे 193 करोड़ की लार्ज डील जिसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 35 लाख से ज्यादा शेयर खरीदे रुपए के भाव पर दूसरी तरफ एलटी फूड्स बैकस एसिड मैनेजर्स यानी कि सुनील सिंघानिया की कंपनी ने करीब ₹162 के भाव पर नियरली 34 लाख शेयर खरीदे हैं तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे आम, सीमेंट की तरफ से अपडेट आ रहा है सीसीआई अप्रूवल मिल चुका है तो मैं और वो सिर्फ नींबू पानी ही पीते हैं <laughs> चतुर्ता साहब ऐसा कुछ करा जाए कि सिर्फ वेज ओनली रेस्टोरेंट से और सिर्फ वेज ओनली कैरियर खाना लेकर आए तो आप लोगों का कंफर्ट बढ़ेगा क्या तो अप्रिशिएट करेंगे और खास तौर पर वो लोग जो थोड़ा सा आप देखेंगे जैसे कि हमारे जो पेरेंट्स हैं या अगर से हम थोड़े से ओल्ड एज के लोगों को देखेंगे तो उनको तो ये ये आइडिया बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग लगेगा क्योंकि एक बहुत ही स्पेसिफिक काफी जो लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है कि वो ऐसे रेस्टोरेंट भी नहीं जाते जहाँ पर पे नॉनवेज का प्रिपरेशन होता है क्योंकि कई बार उन्हें डर रहता है कि कोई कहीं, कहीं कोई गलती से मिक्सिंग ना हो जाए तो ये एक बड़ा सेंसिटिव इश्यू है और इसको अगर से जोमेटो सॉल्व करता है तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं पता कि बिजनेस में इसका कितना इम्पैक्ट आएगा क्योंकि हम तो इस स्टॉक को खैर काफी समय से ट्रैक कर रहे हैं बट सेंटिमेंटली ये काफी पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से अप्रिशिएट किया जाएगा और यही बात जो जोमेटो की है वो तो जोमेटो को बहुत ही डिफ्रेंशिएट करता है अहेड ऑफ टाइम आ, सोचने की एक जो सोच है बहुत पहले आ, एक कॉल लेने की जो सोच है हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने ब्लिंकिट के भी बिजनेस को ग्रो किया और जहां पर ब्लिंकिट आज फोर्टी फोर्टी फाइव परसेंट मार्केट शेयर रखता है क्विक कॉमर्स के अंदर में तो इसी वजह से हमें लगता है कि जोमेटो तो एक ऐसी कंपनी रहेगी जहां पर पे एक सस्टेंड आपको कंपाउंडिंग होती हुई नजर आएगी और सिक्सटी सिक्सटी फाइव रुपीज में हमने इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दी थी और हमें लगता है आज भी हम स्टॉक में है और हमें लगता है कि जिस तरह से पॉजिटिव पॉजिटिव पैट कंपनी हो चुकी है आने वाले दो सौ रुपए के स्तर इसमें जल्दी क्रॉस होते हुए नजर भी बड़ा ब्लिंकिट हमारा जो क्विक कॉमर्स आम है वो हो जाएगा ज्यादा बड़ा खैर हर्षदा ने कहा ग्रीन नहीं करेंगे लाली मुझे तो ग्रीन अच्छा लग रहा था अगर मैं वेज ओनली होता और ग्रीन कैरियर लेकर आ रहा तो मेरा वैसे वैसे उस पर वीरू ने दो लाइना भी लिख दी है बोले आ, वेज फूड हमारा बेमिसाल होगा पर डब्बा वही लाल होगा वाह अरे तो जुड़े हुए तो तो खुद ही बोल देते अपने को तो बोलना भी ढंग से नहीं आता यार नहीं नहीं ठीक आपके मुखमंडल से अच्छा लगा <laughs> अच्छा लगा अगला स्टॉक <laughs> वो है टीसीएस सी <laughs> यार आ, कल दिन के लोस पे कल पेन जो आया बहुत हद तक हुआ, था, मेरे से, उससे कहीं नीचे जाके बंद हुआ है लास्ट टी में बायस नहीं दिखे कहीं पे भी रिपोर्टेड नहीं है कुछ भी अब यहन है कि के कल पॉजिटिव आंकड़े थे तो बटे की नौ हजार करोड़ रुपए जब टाटा सन से बेचे तो सब माल वहीं गया होगा पर नाम सामने नहीं आया कैसे रीड कर रहे हो आप इसको धर्मेश टीसीएस बहुत अच्छे मूव अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म करा पिछले दस पंद्रह दिन में फिर उस तरह का डेवलपमेंट आ गया क्या करना है इस गिरावट में खरीदारी करनी है नहीं करनी है। लोग सब पूछ रहे थे कल ट्विटर पे देखिए ये एक बड़ा जुड़ी आउट है इस पर बिकॉज रीजन ये है कि फंडामेंटली जितनी भी इंडियन आईटी कंपनीज है उनके साथ एक प्रॉब्लम आ गया है कि उनके जो प्रोडक्ट ऑफिस हैं इसलिए ए आई नहीं है और यूएस में जितने भी स्टडीज आ रहे हैं वहां पर ये भी वो लोग मान रहे हैं कि इधर यू गेट एआई आई इनेबल्ड या फिर आप पेरिश हो जाओगे जैसे कि सेल्स फोर्स के बारे में ये कहा गया और भी जो बड़ी आईटी कंपनियां हैं उनके बारे में कहा गया कि फिर गूगल का जेमिनाई हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है उसके साथ आप टाई अप करो तो ही आगे में आपको अट्रैक्शन मिलेगा बिजनेस का अट्रैक्शन मिलेगा अमेजोन के साथ भी और आइकल ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सो इंडियन आईटी कंपनी के साथ मुझे लगता है ये एक समस्या है ट्रेडिंग के लिहाज से ऊपर नीचे चलता रहेगा स्टॉक बट जब तक इनके ए आई इनेबल्ड प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं होते हैं या फिर किसी से टाई अप करते हैं जहां पर उनको जो कि पहले करते थे मदद कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तब तक तो ये डिसिसिव मूव तो मुझे मुश्किल लगता है और रही बात कल टाटा सन्स के सेल करने के लिए तो उनको तो अपना डेट पेयर करना है और एक टीसीएस काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी था तो दिस इज ए माइन इससे बिजनेस के हिसाब से ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए ट्रेडिंग के परस्पेक्टिव से जरूर बाई करना चाहिए इस गिरावट में बट लॉन्ग टर्म एक वेल्थ क्रिएटर के रूप में ये फिर 15-20 परसेंट का कंपाउंडिंग रहेगा या नहीं रहेगा चार पांच साल के लिए वो डिपेंड करता है कि कितना जल्दी ये ए आई यू प्रोडक्ट लॉन्च कर पाते हैं मार्केट में बिकॉज so, फ्यूचर वही है आशीष जी है मुझे नहीं लगता कि इनका जो हिस्टोरिकल प्रोडक्ट था उससे इनको अभी खास ग्रोथ ट्रैक्शन मिलने वाली है ओके okay, यह है टी सी एस की कहानी सावंत साहब टीवीएस मोटर्स प्लीज उठाइएगा

खैर कल से जब वो ये है की पिछले मार्च अप्रैल के बाद ये पहली बार वीकली बीस दिनों के एवरेज पे आ रहा है जो की एक बहुत बड़ा सपोर्ट है और एक बड़े टाइम फ्रेम पे है जो सपोर्ट है दो हजार के आसपास

क्या आउटकम आता है देखते हैं और कैसे होंगे वेस्ट कितने शेयरों पे क्या कैसे बैठाएंगे इंटरेस्टिंग होने वाला आज आउटकम गाबा सर आज हैप्पीनेस डे है आज ओरल हेल्थ डे है उस बीच कोलगेट कल पता नहीं क्या हो गया कोलगेट क्या पूरा एफ लद गया था कल जैसे फार्मा पिट रहा था एफ एमसीजी की दिक्कत थी खैर वायदा का टॉप लूजर कोलगेट था इसीलिए जरा उसका जरा जांच पड़ताल करके बताइए मूड कैसा है वीके कह सकते हैं कि एग्जॉशन हुआ थोड़ा स्ट्रेच था डाउन मूव मिलना चाहिए कोलगेट में ट्रेड कर रहे 2615 पे पॉसिबल है कि करीब 2550 ये एक स्लाइड होने की संभावना है स्टॉपो का 2650 डिप पॉसिबल कोलगेट अच्छा आदित्य बिरला सनलाइफ लाइफ कल ओएफएस का डे वन था कल नॉन डिटेल का दिन था भाई शाम को अपडेट आया कि हम ओवर सब्सक्रिप्शन का कोटा भी एग्जॉस्ट करेंगे दरअसल कुल मिलाकर अगर मैं बेस और ओवर सब्सक्रिप्शन को देखूं तो ये लोग ऑफर कर रहे थे 3.29 करोड़ करोड़ शेयर्स शेयर्स बोली लगी 3.94 की तो उससे ऊपर की चली गई थी बोली तो उन्होंने वो एग्जॉशन ले लिया आज रिटेल के लिए खुलेगा चतुर्मा साहब रिटेल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए कैसा लगता है आप लोग को uh. इसको अभी तक हमने आशीष जी बहुत क्लोजली डेवलपमेंट को ट्रैक नहीं किया और इसके ऊपर अभी कमेंट करना मैं थोड़ा सा मेरे लिए जल्दबाजी होगी तो अभी मैं इसको अवॉइड कर लूंगी इससे दूरी हो आप लोग ये 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 सिवादत बिरला सनलाइफ की कहानी है या फिर एएमसी एज अ स्पेस से ही दूर हो आप नहीं एचडीएफसी एएमसी पे तो हम काफी पॉजिटिव है इनफैक्ट हमारे पोर्टफोलियो के अंदर भी एचडीएफसी एएमसी है और

सिग्निफिकेंट पोर्शन आप देख रहे हैं कि अब फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप स्ट्रैटेजी के अंदर आ रहा है जहां पर एच डी एफ एक अच्छा बड़ा मार्केट लीडर है तो हमें लगता है कि एमसी बिजनेस तो काफी प्रॉमिसिंग है और उसमें भी एच डी एफ सी एम सी हमारी टॉपिक है हमारा डिस्कलोजर है कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में और टेक्निकली मैं समझता हूँ एक लंबे समय के कंसल्टेशन के बाद निकला है तो चार तक की जगह हमें लगता है एच डी के स्टॉक में भी देखने को नजर आ सकता है चलिए भाई एक काम करा जाए मुनाफी की तैयारी अब समेटने का वक्त हो गया है दस्तक देते हैं पहला सौदा में